अपना अपना चल आ चल तू खाएगी मैं भी खा लूंगा। 10 बजे पहुंचना है शायद, तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। बाकी इससे पहले मैंने बनाया नहीं है तो आज ही मैं सीख। काफी लोगों का कमेंट भी आया था कि आपने क्यों नहीं। आपको ना मैं एक बात बताना चाहूंगी। एवरीवन गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सभी, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज मैं अपने व्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह के 8 बजे से, और अभी मैं पोछा लगा रही हूँ। बाकी और दिन मैं पहले लगा लेती थी बट आज थोड़ा लेट हो गया। अब लेट क्यों हुआ वो मैं आपको बताती हूँ। आज का वर्क ना थोड़ा रोटेट हो गया, मतलब कि पहले मैं क्या करती थी झाड़ू पोछा ये सब करके फिर नहाती थी, बट आज मैंने पहले नहा लिया और उसके बाद फिर झाड़ू पोछा वो कर रही हूँ, तो इस वजह से थोड़ा पोछा लगाने में लेट हो गया। तो मैं लगा लेती हूँ पोछा और उसके बाद देखते हैं व्लॉग में आगे को क्या रहता है। तो दोस्तों पोछा मेरा लग गया है और यहाँ किचन पे पानी आ रखा है, तो माँ ने यहाँ पे पानी भी भर दिया। ये देखिए पूरे लाइन लगी है बाल्टियों की, नीचे भर गया था ना हमारा तो इस वजह से फिर ऊपर भरा। और अभी मैं आपको मौसम दिखा देती हूँ, आज का मौसम बहुत अच्छी धूप आई है। चलिए पहले मौसम दिखाते हैं। ये देखो यहाँ से आती है धूप। यहाँ बच्चे खेल भी रहे हैं फील्ड में। हमारा तैयार, अब हम इसको ना पैक कर देंगे डब्बे पे। ये हो गया हमारे डब्बे में पैक। ये ऑयल भी डाल दिया, जब पकेगा ना क्या मस्त अचार बनेगा। छोटा सा डब्बा था इसीलिए ये बन गया अचार। अब हम इसको रखेंगे धूप में, आज धूप भी अच्छी आई थी ना इसलिए डाला हमने अचार। दोस्तों डल चुका है ये अचार, और अभी ना सुबह हमने बहुत जल्दी डाल दिया था क्योंकि फिर माँ को भी जाना है ड्यूटी में। फटाफट तैयारी करती हूँ और नाश्ता भी हमने किया नहीं है, बनाया भी नहीं है। अब बनाते हैं, तो बनाएंगे यहाँ पे नाश्ता है। हाँ आज हमने क्योंकि हमने अचार डाला था ना अभी जल्दी जल्दी, फिर बाद में क्या होता है कि माँ चले जाते तो मैं अकेले नहीं डाल पाती, इसलिए सुबह जल्दी ही डाल दिया क्योंकि आज धूप भी अच्छी थी इस वजह से। तो अब बनाते हैं हम नाश्ता। तो ये छोले तो बन गए पहले ही, और अब आटा गूंथना है फिर उसके बाद बनाएंगे रोटी। तो दोस्तों बन गया है नाश्ता और माँ ने मेरे लिए लगा भी दिया है, बाकी भैया को दे दिया। और अब मैं कर लेती हूँ नाश्ता।
बंद है। बंद तो उथल जा ले, खुल गए तो ठीक से उथल जा ले, खुल जा ले, मैं नहीं हूं ना। तो नाश्ते में चने बना रखे हैं और दही, जो कि मैं छोटा ही खाती हूँ, कटोरा बड़ा है इसलिए इसमें थोड़ा सा दिख रहा है। अगर आप क्यों खाने के लिए आओ तो मेरे को थोड़ा ही देना और रोटी और ये सब्जी है मूली का थिचुआ। 10 बजे पहुँचना है शायद। माँ हो रहे हैं तैयार, फोन भी आ गया। हाँ तो अच्छी है, तो चली गई फिर। हो गया नाश्ता डन और अब मैं धो लेती हूँ बर्तन, बाकी माँ को जाना है जल्दी जल्दी, तो तैयार हो रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी माँ हो गए हैं तैयार, बैग भी रख दिया और अब चलने की तैयारी, जाते हैं। ओके दाल चावल बना लेना खाना। ओके मैडम जी। रुक रुक मेरी कमर दर्द, ये चल दिए छोड़ रहे हैं। हाँ कब है, कब है बैठ गई। हाँ ठीक है, गए माँ ड्यूटी में। माँ और भैया चले गए हैं, बाकी और काम तो मेरा हो गया सारा और अब मुझे धोने हैं कपड़े, तो मैं कपड़े धो लेती हूँ। कुछ कपड़े ये हैं भैया के और बाकी मुझे अपने भी धोने हैं, तो मैं पहले कपड़े धो लेती हूँ। दोस्तों कपड़े मेरे धुल गए हैं और अब मैं यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा जो अपना रिसेप्शन वाला व्लॉग है उसको एडिट कर लेती हूँ। शादी के टाइम पे मैंने रिसेप्शन वाला व्लॉग डाला नहीं था, काफ़ी लोगों का कमेंट भी आया था कि आपने क्यों नहीं डाला, तो मैं उसको ना 4-5 दिन या फिर जब एडिट हो जाएगा तो उसके बाद मैं उसको अपलोड कर लूँगी, तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। और अभी तो मैं उसको पहले एडिट कर लेती हूँ और फिर उसके बाद मुझे खाना भी बनाना है, क्योंकि टाइम भी हो रहा है फिर खाना बनाने का, तो फटाक से मैं कर लेती हूँ जितना अभी हो पाता है। पूरा तो हो नहीं पाएगा अभी एडिट, तो जितना हो पाता है उतना मैं अभी कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। दोस्तों खाना मेरा बन गया है और देखिए माँ भी आ गए हैं। आज माँ जल्दी आ गए, पता है 12:30 हो रखा है, नहीं तो 2-3 ऐसे बच जाते हैं। आज गाड़ी मिल गई होगी तो जल्दी से आ गए। और ये खाना भी मेरा बन गया है, इसमें मैंने चावल बना दिया और ये झोली बना रखी है। झोली काफ़ी दिनों से नहीं खाई थी ना, तो इसलिए मैंने आज झोली बना दी। दोस्तों खाना वाना हमारा हो गया है और अभी मैं आ गई हूँ नीचे रूम पे, बाकी थोड़ा सा मैं आराम कर लूँगी अभी। और आपको ना मैं एक बात बताना चाहूँगी, कल कोई आने वाला है, तो कौन आने वाला है वो जानने के लिए आपको ना पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं एंडिंग पर ही बताऊँगी कि कौन आ रहा है। तब तक आप लोग गेस कर सकते हैं कि कौन आ रहा होगा। तो अभी तो मैं थोड़ी देर कर लेती हूँ आराम और फिर देखते हैं उसके बाद क्या होता है आगे व्लॉग में। दोस्तों अभी बज चुका है 4 और मैं ऊपर आ गई हूँ और ये देखिए मैं पॉपकॉर्न खा रही हूँ और माँ यहाँ पे बैठ के चाय पी रहे हैं। मेरी चाय ये है गुड़ वाली, ज़्यादा नहीं पीती मैं, थोड़ा पीती हूँ। आओ पियो गुड़ वाली चाय। हाँ गुड़ वाली चाय के साथ पॉपकॉर्न बहुत अच्छा होता है। अभी शाम हो गई है तो धूप भी जाने लगी और सामने इतना अच्छा लग रहा है, इतना प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से, आपको एक बार ही दिखा देती हूँ बैक कैमरे से। ये देखिए यहाँ बादल कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं। इधर साइड को बची है धूप, यहाँ साइड को चलेगी सारी, हमारे घर से भी चलेगी, छत में बची है। कैसी हो रही है चाय? अच्छी हो रही है। कल तो कोई आ रहा है ना? दोस्तों देखिए यहाँ पे काम चल रहा था ना, तो ये टाइल्स लग रही है सारी रोड के किनारे पे और ये पूरे यहाँ से लेके नीचे कालिका वाली रोड पूरी बन रही है नीचे तक का। और अभी यहाँ पे मैच भी स्टार्ट हो गया, फुटबॉल मैच, इतने सारे लोग आए हैं, अभी स्टार्ट ही हो रखा है, बाद तक देखना भीड़ बहुत हो जाती है। तो ये आवाज वहीं से आ रही है। माँ को क्यों उदास लग रखा है? किसका उदास लगा है आपका? बेटे का। कल कोई आ रहा है? कौन? कोई। कितने खुश हो रहे हैं देखो। कल मेरा बेटा है। हाँ मेरे क्या हुए हो? तेरे पति देव जी।
तो अभी हो चुकी है शाम और अब हम आरती करेंगे। बाकी सब्जी मैं बना के आ गई और आटा भी मैं गूंथ के आ गई। आरती करने के बाद फिर रोटी बनाऊंगी। तो पहले आरती कर लेते हैं। माँ ने जला भी दिया दिया। अब बोलो आजकल रामलीला में जा रहे हैं ना, रोज के रोज ऐसी गा रहे हैं। स्वामी जी मैंने तुम पे बड़ा ही गुमान देखा, फिरते हो मत वाले न्यारे। भैया का सुन लिया, फिर अब हम भी करते हैं आरती। अब हम आरती करते हैं। तो दोस्तों पूजा करने के बाद खाना बना के अब मैं खाने भी लग गई हूँ। ये देखिए इतनी जल्दी मेरे को मिलने आएंगे, ये मैंने सोचा भी नहीं था। आप किससे बात कर रहे हो अभी? अपने बेटे से, तेरे पति देव जी से। होगी मेरे पति देव जी की तैयारी? पति देव जी की तैयारी पता नहीं। अरे मैंने कल आना है, बड़ा अनजान बंदा है। अरे मुझे याद ही नहीं था, अभी तो याद आया। अच्छा अच्छा क्या है? एक जोड़ी कपड़े रख, बस हो गया। एक पानी की बोतल रास्ते से ले लेना। दोस्तों अभी बज चुके हैं 9 और खाना पीना हमारा हो गया। बाकी माँ की बात भी होगी पतिदेव जी से। और अभी मैं आ गई हूँ सोने के लिए रूम पे। तो कल ना पतिदेव जी आने वाले हैं घर, यही बात मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी, बट उस टाइम पे बताया नहीं तो इसलिए अभी बता रही हूँ। तो कैसा लगा आपको आज का व्लॉग, ज़रूर बताना कमेंट करके। और अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जो भी नई वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आप सबको आ सके। तो मिलते हैं ऐसी एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।